भारत का रक्षा मंत्रालय एक तरफ आत्मनिर्भर तो हो ही रहा है और साथ ही लगातार देश की रक्षा और देश हित में काम कर रहा है, लेकिन इस बार की रिपोर्ट ने भारत को दुनिया में पहले पायदान पर खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है ये रिपोर्ट, जानते हैं। दरअसल जर्मनी की एक निजी ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टा, जो दुनिया के ढेरों मुद्दों पर डेटा और स्टैटिस्टिक्स देती है, उसने भारत के रक्षा मंत्रालय को दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बताया है, जिसके साथ 29.2 लाख लोग काम करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर यानी भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ 29.2 लाख लोग काम करते हैं। इनमें सैनिक, रिजर्व सैनिक और सिविलियन स्टाफ शामिल है। जहां भारत पहले पायदान पर है, वहीं 29.1 लाख लोगों के साथ अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। वहीं चीनी आर्मी में 25 लाख एम्प्लॉयज हैं। हालांकि चीन में सिविलियन पोस्ट को शामिल नहीं किया जाता। बता दें कि इस लिस्ट में अगर सिर्फ प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग वॉलमार्ट में काम करते हैं, जिसकी संख्या तकरीबन 23 लाख है, और दूसरे नंबर पर अमेज़न, जिसमें तकरीबन 16 लाख लोग काम करते हैं। वैसे ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर को देखते हुए ये रिपोर्ट इतनी चौंकाने वाली नहीं लगती। 2021 में टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर $2,113 बिलियन पहुंच गया था। रूस यूक्रेन के बीच जंग, अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर के चलते सभी देश अपनी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए बजट में बढ़ोतरी कर रहे थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार डिफेंस पर खर्चा बढ़ाने वाले टॉप 5 देश हैं अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।